नगर परिषद नेरचौक की एक बैठक एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें सभी पार्षदों ने भाग लिया और सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये बिल पारित किया कि नगर परिषद द्वारा कंसा ग्राउंड के स्वरूप को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए कार्य किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम बल व नगर परिषद के ईओ आशीष शर्मा ने बताया कि नगर परिषद नेरचौक ने अहम फैसला लिया है कि कंसा ग्राउंड की 100 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और उसे नया स्वरूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि कंसा ग्राउंड में युवा लोग जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन सब के लिए वहां एक आधुनिक सेंटर बनाया जाएगा और छोटे बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया जाएगा। साथ ही गाड़ियों की टेस्ट पासिंग के लिए भी जगह बनाई जाएगी। तो वहीं नगर परिषद द्वारा गीला कूड़ा रिफाइन करने के लिए एक आधुनिक डंपिंग साइट बनाई जाएगी। नगर परिषद नेरचौक के सभी सदस्यों ने मिलकर फैसला लिया है कि कंसा ग्राउंड को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उसका अधिग्रहण किया जाएगा और ग्राउंड के सौंदर्यकरण का आधुनिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जो इधर हमारे नगर परिषद के एरिया में लोगों को समस्याएं पेश आ रही थी, बच्चों को भी समस्याएं पेश आ रही थी। खासकर आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जो युवा हैं उनका झुकाव थोड़ा सा आर्मी में भर्ती के लिए ज़्यादा है, तो उनकी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर रहे थे। वो एक प्रॉब्लम थी कि हमारी जो गाड़ियों की पासिंग थी और जो लर्नर टेस्ट होते थे, हमारे ड्राइविंग टेस्ट होते थे, वो सारे के सारे हमारे कंसा ग्राउंड में होते थे। तो मुझे माननीय विधायक साहब के भी निर्देश थे कि इस समस्या का किसी तरह से समाधान किया जाए। तो हमने सबसे पहले अपना कंसा ग्राउंड का एरिया देखा, तो वो देखा तो हमारे पास जो था कंसा ग्राउंड का एरिया वो कोई 25 बीघा था और एक्चुअल में उसका टोटल एरिया 100 बीघे से ज़्यादा था, 100 बीघा था। तो हमने उसको प्रॉपरली डिमार्केट कराया, उधर बाउंड्री वॉल यानी बाड़बंदी की। उसके बाद हमने उसके साइड में एक और ग्राउंड बनाने का आज इधर प्रस्ताव पास किया है नगर परिषद के माननीय सदस्यों ने। अब जिस तरह जैसे माननीय विधायक साहब ने चाहा था, तो हम साइड में एक ग्राउंड को डेवलप कर रहे हैं। उसकी लेवलिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ से जो पासिंग और ट्रायल है वो वहाँ शुरू हो जाए, उस ग्राउंड में शुरू हो जाए। साथ में अभी माननीय सदस्यों ने एक प्रस्ताव पास किया है उधर चिल्ड्रन पार्क बनाने का, तो हमारी कोशिश होगी कि चिल्ड्रन पार्क का भी काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए नगर परिषद की तरफ से। सर, डंपिंग साइट के लिए भी कुछ किया जा रहा है? डंपिंग साइट के लिए क्योंकि एरिया बहुत ही बढ़ के सामने आया हुआ है, जितना हमारे पास एरिया था तो उसका आप रखिए कि 25-30 बीघा हार्डली ग्राउंड में गया होगा, बाकी 70 बीघे और था। तो जो बहुत साइड का है लैंड है जो बिल्कुल ही पंप हाउस के पास है, वहाँ कंपोस्ट पिट बनाने का है कि जो बेसिकली जो गीला कचरा है उससे खाद बनाई जा सके। तो हम ट्रायल बेसिस पे वहाँ शुरू करेंगे, फिर देखते हैं किस तरह से आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे।